सिंघू बॉर्डर पर आज बुधवार 9 जून 2021 से किसानों की संख्या में और ज़्यादा हुई बढ़ोतरी। आंदोलनकारी किसानों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। दरअसल हरियाणा के टोहाना में जो किसानों का प्रकरण चला था, वहां पर किसानों की जो गिरफ्तारी हुई थी, मुकदमे दर्ज हुए थे और किसानों ने थाने पर ही धरने की शुरुआत की गई थी। हरियाणा से वो धरने को ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद जिन किसानों को रिहा किया गया, जो जमानत पर रिहा हुए और साथ में प्रशासन ने लिखित में आश्वासन दिया कि उनके दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे और साथ ही आरोपी विधायक ने भी वहां पर किसानों से माफ़ी मांगी। उसके बाद उत्साहित किसानों के काफिले हैं वो टोहाना से चलकर कल 8 जून को जो कि सिंघू बॉर्डर पर शाम के वक्त पहुंचना शुरू हुए थे और आज भी लगातार वहां पर किसानों के जो काफिला है वो लगातार पहुंच रहा है। किसानों की संख्या सिंघू बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही है। बता दें कि अभिमन्यु जो कि किसान नेता है, उनको भी वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। ये उनका काफिला है, वो सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक किसान भी पहुँचे हैं। मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स आदि पर सवार होकर बड़ी संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे हैं और केंद्र सरकार को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान एकता।